लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बता दें, पिछले 4 चरणों में करीब 60% मतदान हुआ है, जो कि चिंता का विषय है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के ललितपुर ने देश में इतिहास रच दिया है। ललितपुर के एक गांव सोलदा के बूथ पर 100% मतदान दर्ज किया गया। बता दें कि उस बूथ में केवल 357 वोट थे। बीएलओ रिपोर्ट के अनुसार एक वोटर बेंगलुरु में था। ललितपुर डीएम द्वारा उस मतदाता का फ्लाइट से बेंगलुरु से भोपाल का टिकट ₹18,000 का बनवाया गया। भोपाल से सरकारी गाड़ी द्वारा अंतिम मतदाता को उस बूथ तक लाकर 1 बजे वोट डलवाकर मतदान संपूर्ण की घोषणा कर दी गई। मतदान के आने जाने का फ्लाइट का किराया डीएम द्वारा वहन किया गया। जानकारी के मुताबिक झांसी ललितपुर सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने अनुराग शर्मा, कांग्रेस से प्रदीप जैन आदित्य, बसपा से रवि प्रकाश, अपना दल से कमेरावादी ने चंदन सिंह और वहीं अल हिंद पार्टी से दीपक कुमार वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा इंद्र सिंह, गणेश्वर राम, धर्मेंद्र प्रताप, रमेश और लखनलाल निर्दलीय मैदान में हैं।